नमस्कार, बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास में आपका स्वागत। कल हम पढ़ रहे थे बाजार का वर्गीकरण। बाजार का जो मुख्य वर्गीकरण है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। प्रतियोगिता के आधार पर वर्गीकरण, पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति जहां वस्तु एक ही होगी, रंग रूप आकार गुणवत्ता में वस्तु हमेशा समान होगी। उद्योगों द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाएगा, फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत को स्वीकार किया जाएगा। पूरे देश में वस्तु की एक ही वैरायटी होगी, एक ही पैकिंग होगी, एक ही कलर होगा। आपको चाहे वस्तु पीलीवुंगा से खरीदनी है चाहे दिल्ली से खरीदनी है, वस्तु का रेट भी एक ही रहेगा। वस्तु एक खरीदनी है चाहे वस्तु आपने 10 खरीदनी है, वस्तु के रेट में कोई अंतर नहीं आएगा। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति जहां क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक हो, न तो क्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सकता है और न ही विक्रेता। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग में वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है जिसे फर्म स्वीकार कर लेती है। उद्योग के अंदर जहां मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटेंगे वहां कीमत का निर्धारण होता है, और इसी कीमत को फर्म के द्वारा स्वीकार किया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में औसत आगम और सीमांत आगम सदैव समान होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में औसत आगम और सीमांत आगम सदैव समान रहेगा। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में मांग की लोच अनंत होगी, यही इसकी विशेषताएं हैं। आगे चल के चैप्टर में अपने पढ़ेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, एकाधिकार क्या है, अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति जहां क्रेता और विक्रेता अनेक होंगे, जहां वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग में होगा, फर्म उस कीमत को स्वीकार करेगी, वह पूर्ण प्रतियोगिता है। अपने इसका निर्धारण करके भी बता सकते हैं। दूसरा है अपूर्ण प्रतियोगिता, जिसमें वस्तु भिन्न होती है, रंग रूप आकार गुणवत्ता में भिन्नता नहीं होती। जैसे अलग कंपनियों के पेन, रजिस्टर, पाउडर, क्रीम, ये सारे क्या है, अपूर्ण प्रतियोगिता के उदाहरण है। जिसमें वस्तु की बिक्री के लिए विक्रेता के द्वारा विज्ञापनों का सहारा लिया जाता है, आपको अलग अलग लुभावनी स्कीमें दी जाती हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट है बिक सके। एकाधिकार नाम ही अपने स्पष्ट है कि एक व्यक्ति का अधिकार। एकाधिकार की स्थिति वह स्थिति होती है जहां वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होगा और वह उस वस्तु को बेचेगा, उससे मिलती जुलती वस्तु होगी ही नहीं। पूरा बाजार है उसमें केवल एक ही विक्रेता होगा और कोई विक्रेता नहीं होगा। एकाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एआरएमआर वक्र वो नीचे की ओर गिरते हुए होंगे। अब अपने हैं इसमें संतुलन। संतुलन के लिए अपने को अलग अलग प्रतियोगिता के हिसाब से संतुलन को अपने स्पष्ट करेंगे। संतुलन की दो मेथड होते हैं, पीआरटीसी विधि, एमआर व एमसी विधि। सबसे पहले है पीआर व टीसी विधि। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में फर्म का संतुलन। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में आपने पढ़ा था कि जो टी आर है वो एक सीधी लाइन के रूप में प्राप्त करता है, कुल आय अपनी लगातार बढ़ती हुई होती है। टी सी वक्र लागत भी आपने पढ़ा था, इसके बिंदु से स्टार्ट होगा, पहले घटती हुई दर और बाद में बढ़ती हुई दर होगी।
संतुलन की स्थिति में यहां पर पीआर और पीसी का मान बराबर है, न तो लाभ होगा और न हानि। ए बिंदु से पहले पीसी लाइन ऊपर है और टीआर लाइन नीचे है, तो ये हानि की स्थिति होगी। बी बिंदु के बाद भी ये स्थिति है कि टीआर टीसी ऊपर है और टीआर नीचे, तो हानि। ए और बी बिंदु टीआर टीसी बराबर है, न लाभ न हानि। 20 की दूरी में टीआर ज्यादा है टीसी से, तो यहां लाभ होगा। लाभ अधिकतम के लिए स्पर्श रेखा खींचेंगे, 20 की दूरी सबसे ज्यादा होगी वहां लाभ अधिकतम की कंडीशन हो जाएगी। तो टीआर और टीसी मेथड पूर्ण प्रतियोगिता की दिशा में, टीआर सीधी लाइन के रूप में, टीसी की शेप पहले घटती दर बाद में बढ़ती दर। जिन बिंदुओं पर टीआर और टीसी समान होता है वहां न तो लाभ होगा और न हानि। ए बिंदु से पहले टीसी ज्यादा टीआर से, यानी कि लागत ज्यादा आ रही है आय कम है तो हानि होगी। ये सेम कंडीशन बी बिंदु के बाद होगी, अगर टीसी ज्यादा टीआर से तो अपने को हानि हो जाएगी। ए और बी के बीच में न लाभ, ए और बी के बीच में लाभ होगा क्योंकि टीआर ज्यादा है टीसी से, लाभ के लिए बीच की दूरी का निर्धारण होगा। सेकंड है एमआर और एमसी, पूर्ण प्रतियोगिता की दिशा में आपने पढ़ा है कि एआर और एमआर सीधी लाइन के रूप में होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता का अधिकार की स्थिति में अलग तरीके से इसको अपने एक्सप्लेन करेंगे। सीमांत लागत पहले गिरती और बाद में बढ़ती हुई होती है। ए और बी बिंदु है, ए बिंदु पर ओ क्यू है और बी बिंदु पर मान लो ओ क्यू बन रहे हैं, तो संतुलन की दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त के अनुसार संतुलन वहां होगा जहां एम आर और एम सी समान होंगे, जो कि ए पर भी है और बी पर भी है। दूसरी शर्त के अनुसार संतुलन वहां होगा जहां एम सी वोकर एम आर वोकर को काटता हुआ हो और काटकर ऊपर की ओर जाता हुआ हो, काट तो यहां भी रहे लेकिन यहां काटकर ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहां फर्म का संतुलन नाम का होगा। एम सी वोकर एम आर वोकर को काटकर ऊपर की ओर चला जाएगा, वहां फर्म का संतुलन होगा। इसी बिंदु पर जो औसत आगम होगा वो आपकी कीमत का निर्धारक होगा। जहां फर्म का संतुलन होगा एमआरएमसी पर, उस बिंदु पर ही आपकी कीमत का निर्धारण होगा, चाहे वह पूर्ण प्रतियोगिता है, अपूर्ण प्रतियोगिता हो और एकाधिकार की स्थिति हो, तीनों में से कोई भी स्थिति है वहां अपने फर्म का संतुलन होगा। अब पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत लाभ हानि सामान्य लाभ स्थिति में अलग अलग स्थितियां होंगी। ये तीन स्थितियां एकाधिकार में होंगी, ये तीन अपूर्ण में होंगी, जिसके बारे में अपने अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।